आमतौर पर चांदी का इस्तेमाल गहनों के रूप में ज़्यादा होता है, लेकिन चांदी केवल सुंदरता ही नहीं बल्कि यह आपकी कुंडली के ग्रहों को भी प्रभावित करती है और इसका सीधा असर आपके जीवन पर पड़ता है। तो आइए जानते हैं चांदी के प्रभाव। हिंदू धर्म में चांदी को बहुत शुद्ध और प्रभावशाली धातु माना गया है। चांदी का प्रयोग कई रूपों में होता है और यह हर तरीके से इंसान को फायदा ही पहुंचाती है। चांदी के गहने, सिक्के, मूर्तियाँ और बर्तन, जिस घर में ये सारी चीजें मौजूद होती है वहाँ सुख, वैभव और संपन्नता आती रहती है। तो आइए जानते हैं चांदी क्यों है इतनी महत्वपूर्ण। चांदी हमारे जीवन में प्रयोग होने वाली मुख्य धातुओं में से एक है। चांदी को बहुत पवित्र और सात्विक धातु माना गया है। ऐसा माना जाता है कि चांदी भगवान शंकर के नेत्रों से उत्पन्न हुई थी। ज्योतिष में चांदी का संबंध चंद्रमा और शुक्र से है। चांदी शरीर के जल तत्व और कफ को नियंत्रित करती है। यह मध्यम मूल्यवान होने के कारण ज्यादा प्रयोग किया जाता है। चांदी का शरीर और ग्रहों पर असर। चांदी के प्रयोग से मन मजबूत और दिमाग तेज होता है। चांदी के प्रयोग से चंद्रमा की समस्याओं को शांत किया जा सकता है। शुक्र को मजबूत करके मन को प्रसन्न रखती है चांदी। चांदी शरीर में जमा विष निकालकर त्वचा को कांतिवान बनाती है। आइए जानते हैं चांदी का प्रयोग। चांदी का छल्ला दाएं हाथ की कनिष्ठा अंगुली में पहनना सबसे अच्छा रहता है। चांदी का छल्ला पहनने से चंद्रमा मजबूत होता है और मन संतुलित रहता है। गले में चांदी की चेन पहनने से वाणी शुद्ध हो जाती है और हार्मोन्स भी नियंत्रित होते हैं। चांदी का कड़ा पहनने से कफ, वात और पित्त नियंत्रित होते हैं। चांदी के गिलास में पानी पीने से सर्दी जुकाम की समस्या नहीं होती है। चांदी की कटोरी या चम्मच से शहद खाने से शरीर विषमुक्त होता है। चांदी को इस्तेमाल करते वक्त कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। चांदी जितना शुद्ध होगा उतना ही अच्छा होगा। चांदी के साथ सोना मिलाकर विशेष दशा में ही पहनना चाहिए। सोने के अलावा चांदी कोई और धातु न मिलाएं। चांदी के बर्तनों का प्रयोग हो तो उन्हें हमेशा साफ रखें। जिन लोगों को भावनात्मक परेशानियां ज़्यादा हैं वे चांदी का प्रयोग सावधानी से करें। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को चांदी हमेषा उत्तम फल देता है। मेष, सिंह और धनु राशि वालों को चांदी बहुत अच्छा नहीं होता है। बाकी राशियों के लिए चांदी का परिणाम सामान्य होता है। यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।